ख़ावर को जैसे ही पता चलता है कि ये रिश्ता पक्का हो गया है तो खावर तो बहुत खुश है वो तो ऐसे है जैसे पागल हो चुका है और कहता है कि मैं अपनी शानजे बहन से मिलना चाहता हूँ आगे सिनादिया इसको कहती है कि हाँ हम ज़रूर मिलेंगे लेकिन अभी कुछ देर ठहर जाइए आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है नहीं मैं शानजे से मिलना चाहूँगा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही वो शानजे से मिलता है तो अपना रंडी रोना लेके जाता है और कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं मैं एक काम करता था लेकिन अब वो काम भी छुट्टियों की वजह से खत्म हो चुका है अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा तुम बताओ मैं क्या करूँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं इधर कोई काम कर सकूं कोई नौकरी कर सकूं आगे से आप देखेंगे कि शानजे कहती है क्योंकि शानजे को समझ तो आ रही होती है लेकिन शानजे हामी नहीं बना चाहती है और वो खामोश हो जाती है और कहती है हाँ कि आप नादिया को सारी बात बताएं आपकी जरूर हेल्प करेगी और फिर से आप अपना काम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं लेकिन जी नहीं क्योंकि वो कुछ और ही चाह रहा है शानजे को भी इस बात की समझ आ रही है कि वो क्या चाह रहा है बहरअल वो खामोशी से खामोश हो जाती है और बात नहीं आगे करती है लेकिन क्या किया जाए खावर का खावर ने तो लालच की सारी हदें पार कर दी हैं खावर खुद अपने मुंह से बोल पड़ता है कहता है जी मुझे बारी रकम की जरूरत है ताकि मैं इधर अपना कारोबार शुरू कर सकूं जिसको सुनकर शान से बड़ी हैरान होती है कि आखिर इतना कमीने बंदे भी इस दुनिया में रहते हैं किस तरह से इसने मुंह फाड़ के इतनी बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया आगे से अब देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिर मैं कैसे इस बंदे को मैनेज करूँ काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाती है जाहिर बात है इसने खुद ही इन चीज़ों की इसको आदत डाली है यानी कि शानी की सारी फैमिली को इन आसाइज चूँकि खुद ही आदत लहजे से कहता है कि आपका जैसे हमारे साथ एक रिश्ता जुड़ गया है और आप मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो बिल्कुल अपनी बहनों की तरह इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी नादिया का ख्याल करें क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए शान से कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं कि आपका आखिर मतलब क्या है जिसको सुनकर आप देखें कि, कि खबर कहता है कि मतलब तो इस बात का साफ है क्योंकि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है बल्कि चंद क्या काफ़ी भारी रकम की ज़रूरत है ताकि मैं इधर अपना कारोबार शुरू कर सकूं कारोबार शुरू करूंगा तो आपकी नादिया ही खुश रहेगी आप समझ रही हैं हमारी बात आप मेरी मदद कर सकती हैं इसलिए मैंने आपसे बहन होने के नाते ये बात कर दी है आगे से आप देखेंगे कि शान से बहुत हैरान होती है कहती है कि शायद मैं इतने पैसों का इंतज़ाम ना कर पाऊँ लेकिन वो कहता है कि आपके लिए मुश्किल क्या है आप शानी के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं इसलिए आपको हमारे लिए कुछ भी करना होगा और जो हो जैसा भी हो यह करके आपको ये काम करना होगा और अभी आपसे से गुजारिश है कि नादिया से ये बात मत कीजिएगा क्योंकि नादिया इन बातों को नहीं समझती है वो उल्टा ही मतलब निकालेगी इन बातों का इसलिए बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात नादिया से ना की जाए और ये बात सिर्फ और आपके और मेरे दरमियान रहे ताकि हम इस बात का मिलकर कोई सल्यूशन निकाल सकें यह सुनकर आप देखेंगे कि शान से खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी आपको यह फैसला नहीं सुना सकती हूँ मुझे कुछ वक्त दरकार होगा जिसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मैं खुद बहुत परेशान हूँ क्योंकि इतने पैसे मैं नहीं लगा सकती लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ मैं आपसे वादा नहीं करती इस बात का लेकिन मैं फुल कोशिश करूंगी कि नादिया की खुशियों में कोई भी खलन मत पड़े इस पर हवर कहता है कि मुझे भी आप पे ही यकीन था इसलिए तो मैंने शानी की बजाय आपसे बात की क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगी और आप समझ सकती हैं इस बात को क्योंकि आपको ना दिया बहुत ज़्यादा अजीज है इसलिए आप उसके लिए कुछ भी कर जाएंगी इस बात का मुझे आइडिया था राम जुनू में ये क्या हो गया कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बग़ैर रह लेगा इस कदर ज़िद में आ चुका है जी होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली दोनों फैमिलीज इकट्ठी होती हैं वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते यानी कि शानजे के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मज़े की बात यह है कि शानजे भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड आप ये क्या कह रहे हैं कैसे हो सकता है मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है यहाँ से पता चल रहा है ड्रामा इज़ ड्रामा खैर आपको बताते चले लेकिन जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं तो कामरान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंजूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ लेकिन मेरी एक शर्त है शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दमाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिजनेस संभालना होगा जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा अभी बोलेगा कि नहीं मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा लेकिन ऐसा नहीं होता है वो भी ऐसा सजीला की ज़िद्द में अटक चुका है अटक चुका है कि उसकी बात सर आंखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दमाद बनने को भी तैयार हूँ और मज़े की बात यह है शानजे नहीं बोली शानजे को कहना चाहिए था नहीं, नहीं डैड ऐसा नहीं हो सकता मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला बहरह आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा आखिर तुमने ये फैसला कैसे कर लिया मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है अभी मेरा बेटा बोलेगा लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की जरूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता लेकिन तुमने कुछ नहीं किया आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा लेकिन असल में ये जनाब सुजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं इसके अलावा मजीद कुछ भी नहीं है बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा वो सिर्फ और सिर्फ शानजे को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब और उसी के साथ ही रहेगा जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है